हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग बीजगणित के बारे में पढ़ रहे हैं। बीजगणित का आपका क्लास 3 हो चुका है। आपका जो प्लेलिस्ट है, आपका जो आपका अपना चैनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, इस पर आप जाके देख सकते हैं कि बीजगणित का 3 क्लास हो चुका है। इन 3 क्लास में सबसे पहले आपको हम बताए हुए थे 2 वाला कंसेप्ट, उसके बाद मैंने बताया था मिनिमम टू मैक्सिमम पावर, फिर आपको सेकंड लेक्चर में बताए थे मैक्सिमम टू मिनिमम पावर, फिर मैंने आपको थर्ड लेक्चर में मैक्सिमम टू मिनिमम पावर का कुछ कंसेप्ट दिए थे, और उसके बाद हम लोग सेम पावर पे बात किए थे। और आपको पता है कि इसके अभी जो लास्ट वीडियो हम लोग डाले थे बीजगणित का 3रा लेक्चर, उसमें आप देखे होंगे कि सेम पावर का कंसेप्ट बता रहे थे, तो आपका क्लास खत्म हो गया था क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था। और आपसे हम कहे हुए थे कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सेम पावर पे और भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम सेम पावर पे कुछ बात कर लेते हैं कि सेम पावर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे जो इस चैनल पे अभी नए नए आए हैं, अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको हम बता दें कि आपका जो ये चैनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, इसमें आपका मैथ का क्लास हर दिन 9 बजे से होती है सुबह में। आप उसमें ज्वाइन करना ना भूलें, और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु जो भी हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। कुछ बच्चे लोगों का कहना है कि सारे क्लासेस नहीं हो रहे हैं। बुआ, सारे क्लासेस होंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा हम लोग हमेशा, हम लोग का जो टीम है कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसे अभी देखिए बाढ़ का परेशानी है, तो बाढ़ के कारण लाइट का प्रॉब्लम है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर आप देखे होंगे कि सर आपके वीडियो डाले हुए थे, उनके घर में कुछ दुखनीय घटना हो गई थी, उनके दादी अम्मा जो स्वर्ग सिधार गए थे, उसके कारण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहे हैं। तो आप घबराएंगे नहीं, सारे क्लास जो भी है सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे उपलब्ध होंगे और आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अभी एक और बात बता दें कि मैथ का क्लास चूँकि बड़ा है, और इस चैनल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ डीलेड का क्लास हो रहा है, मैथमेटिक्स का ही बात कर रहे हैं कि सिर्फ डीलेड है, और हर सप्ताह में आपका डीलेड का 2 सेट चलता है। इस सप्ताह में 2 सेट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था, आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको जैसे ही सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, तो आपको फिर से सेट बताया जाएगा। तब तक आप जो मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है इसको आप पढ़िए, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, आपका मैथ एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ बच्चे को ये भी कहना रहता है कि कोई कोई क्वेश्चन हम काफ़ी लंबा में बताते हैं। देखिए मेरे भाई, एग्जाम दीजिएगा तो सारे क्वेश्चन सेकंड में नहीं बनेगा। लोग कहता है कि 15 सेकंड में बनाना है, 20 सेकंड में बनाना है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड में नहीं, 2-2 मिनट लग जाएगा। कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनेगा नहीं जब तक उसके लिए गाइडलाइन ना मिले। तो आप जरा सोचिए, सब क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाता तो 100 क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए आप 10 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन में लगा रहे हैं, जीके जीएस इंग्लिश कंप्यूटर मैथ रीजनिंग, तो आपको 1000 सेकंड होगा। 1000 सेकंड में अगर आप भाग लगाते हैं तो 96 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16×96 यानी 6 से भाग दीजिएगा तो लगभग 16 मिनट समथिंग होगा। तो क्या पेपर 16 ही मिनट का होता है? आप देखते हैं ना, 1.5 घंटा, 1 ही घंटा का पेपर होता है। तो कुछ तो बात है कि टाइम भी उतना दिया जाता है। अगर आप सारे क्वेश्चन में जरा सोचिए, 15 सेकंड और 20 सेकंड भी लगाते हैं तो आधा घंटा में पेपर खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको टाइम दिया जाता है। इसलिए टाइम 30 देखा जाए तो वो टाइम ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन वो जो आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा का, उसको इस तरह से मैनेजमेंट करके दिया जाता है कि कुछ क्वेश्चन आपको सेकेंड में बनेगा, कुछ क्वेश्चन मिनटों में बनेगा। तो ये सोचिएगा कि हम सारे क्वेश्चन को मिनट में सेकंड में बना ले, ये संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन बड़ा जाएगा, कुछ क्वेश्चन ट्रिक पे बनेगा। तो अभी जो हमने एलजेब्रा का जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबका ट्रिक बता रहे हैं, और ट्रिक कहाँ से आया इसका सारा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। कंसेप्ट जो होते हैं वो ट्रिक से बेटर होते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट है, ट्रिक आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट इज द बेटर देन ट्रिक। ट्रिक भी जरूरी है लेकिन कंसेप्ट रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं फिर से सेम पावर। किस पे बात करते हैं? सेम पावर।
फिर से हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपका दिया रहेगा हैशटैग, हैशटैग से बात करते हैं। हैशटैग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पी है और आपसे पूछे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम डिराइव कर रहे हैं जो ट्रिक की तरह होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर पी है और x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए। तो x माइनस वन बाई एक्स को अगर हम कहें कि इसका स्क्वायर कीजिए, तो आपको पिछले क्लास में पिछला वीडियो में बताए थे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। और इसको हम एक्सपेंड करके बताए थे, विस्तार करके बताए थे। जैसे ये एक नंबर है और ये आपका क्या है, दो नंबर। अगर एक नंबर को आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आर एच एस उठाइए, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। आर एच एस क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस कितना है, फोर ए बी। 4ab में से 2ab जाएगा, क्या बचेगा, 2ab बचेगा। और जरा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इस टर्म को उठाएं और इसको जब आगे की ओर बढ़ाएं तो फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। आई बस समझ में। उसी तरह से अगर हम दूसरा का बात करें, दूसरा नंबर का, फिर यहाँ से अगर आर एच एस लें तो आर एच एस में आप देख सकते हैं क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी है। इसको आप तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी। फोर ए बी में से टू ए बी जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा, माइनस टू ए बी। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए बी होता है। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ ए नहीं मानेंगे, एक्स मानेंगे। यहाँ ए की जगह पर क्या है, एक्स है, और बी की जगह पर क्या है, वन बाई एक्स है। इसका हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, फिर है माइनस फोर ए बी। ए की जगह पर क्या है आपका, एक्स है, और बी की जगह पर क्या है, वन बाई एक्स है। इससे ही कट जाएगा। अब कटने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, पी स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस फोर। अब ये स्क्वायर वाला इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया है और सेम पावर में x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकलना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर होता है। मेरी बात समझ में आया, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। यही आपका मेन फॉर्मूला है प्लस के लिए। आई बात समझ में। उसी तरह से आपका माइनस के लिए भी आता है। अगर उसी तरह से यहाँ हैशटैग दूसरा दे दीजिए कि अगर यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर यहाँ पे पी दिया हुआ है और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। ये बात सदैव याद रखिएगा। आई बस समझ में। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का यहाँ प्रूवमेंट कर दिया है, ये फॉर्मूला कहाँ से ये सब लिख रहा है, इसका प्रूवमेंट यहाँ पे हो गया। मेरी बात समझ में आया। इसको भी अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकलना है तो देखिए यहाँ पे प्रूवमेंट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस फोर ए बी। ये तो बेचारे दोनों कट ही जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, फोर बचेगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप फोर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर, और यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है ये, ओके। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ हो गया पी स्क्वायर प्लस फोर, और ये स्क्वायर वाला यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। समझ में आया बात, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया जाएगा। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला और आपको ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा सेम पावर में। अब समझिए नया पेज पे, तो मैंने आपको क्या बताया दो फॉर्मूला में, पहले क्या बताया,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हो, x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर p दिया हो, तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर पहला हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर p हो और x प्लस वन बाई एक्स निकलना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस फोर। ये फॉर्मूला आपका फाइनल हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। इसके पीछे वाला पेज में जो आपको बताया, प्रूफ करके बताया। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज़ और समझिएगा, अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पावर वन है, ये वन के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें और यहाँ भी स्क्वायर कर दें, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, यानी सेम पावर के लिए ये वैल्यू है। आई बस समझ में, जैसे हम यहाँ एक्स पर पावर एन कर दें, यहाँ पे एक्स पर पावर एन कर दें, यहाँ भी एन कर दे, यहाँ भी एन कर दे, एन का जगह पर कोई भी नंबर, तो फॉर्मूला आपका यही होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन चूंकि आपको हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो इसको हम फिर से बताएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर फाइव है, तो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछेगा। आई बस समझ में, इसका वैल्यू आपसे पूछेगा, क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे, जब यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालिए, तो x माइनस वन एक्स का, वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस फोर, तो फाइव का स्क्वायर माइनस फोर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पच्चीस माइनस फोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्कीस। ये आपका आंसर हुआ। तो बस यही आपका एक ट्रिक हो गया सेम पावर में। अब इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे, एक्स पर पावर 19 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 19 बराबर 7 दे दिए, और क्वेश्चन ने पूछेगा बताइए एक्स पर पावर 19 और वन बाई एक्स पर पावर 19 का वैल्यू क्या होगा। तब ये नहीं समझेगा कि 19 पावर है तो कैसे बनेगा, सेम पावर है, देख सकते हैं, जब सेम पावर है तो बनेगा ऐसे ही। कैसे बनाइएगा, डायरेक्ट यहाँ पे एक्स पर पावर 19 और माइनस वन बाई एक्स पर पावर 19, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या, 4, 7 का स्क्वायर माइनस कितना, 4, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और माइनस कितना, 4, तो कितना वैल्यू निकल कर आएगा, 45 आएगा। 45 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 root 9 into 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का नहीं निकलेगा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सेम पावर में कैसा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस पे एन भी चढ़ाकर लिख सकते हैं, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रही बात, यहाँ पे आप एन भी लगाकर आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। आई बस समझ में, लेकिन आपको हम एक्सेन करके इसलिए नहीं बताया कि फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं हो। समझ में आ रही बात, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान लीजिए हम यहाँ क्वेश्चन दे दें, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या दे दिए, 4, और यहाँ से पूछेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो जरा सोचिए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर दो है। अब बच्चा गलती क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा, तुरंत याद करेगा जो आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। वहाँ पे आपको हम बताए थे क्या कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पी वैल्यू दिया हुआ है, आई बस समझ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, याद होगा क्या बताए थे, पी स्क्वायर माइनस टू, याद है ये वाला फॉर्मूला बताए थे। कैसे बताए थे समझिए, ये जो दिया हुआ है, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हो गया पी स्क्वायर। फॉर्मूला को हम प्रूफ कर रहे हैं फिर से कि आपको याद आ जाए और जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाए। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब बराबर में हो गया पी स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये प्लस वाला माइनस होगा पी स्क्वायर माइनस टू। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, माइनस में पूछ रहा है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है आपको, यहाँ पे तो क्लियर देख गया कि वन है तो यहाँ भी वन है, लेकिन यहाँ वन है और निकलना है टू, और वो भी माइनस में निकलना है, प्लस में रहता। अब धाएं से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से है, फिर से हमने प्रूफ कर दिया तुरंत, कहते फोर का स्क्वायर और माइनस टू, चौदह आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस में निकलना है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा, जो बच्चे नए हैं इस बात को लिख सकते हैं, या पीछे वाला जो वीडियो आपको है आपके जो चैनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लास पर, उसमें आप देख सकते हैं, वहां पर ये सारी बात हो चुकी है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जब ये क्वेश्चन आ गया तो बनाना तो पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ स्क्वायर में माइनस दिया है तो माइनस में तो निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले इसके मदद से आप प्लस में वैल्यू निकाल लीजिए। तो प्लस में अभी फॉर्मूला क्या बताया है, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करते हैं और माइनस टू करते हैं, चौचौ का 16 माइनस टू बराबर में क्या हो गया 14। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, सेम पावर का कंसेप्ट आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो जब प्लस में दिया है, देखिए प्लस में दिया है और माइनस में निकलना है, तो यहाँ माइनस में है तो रूट अंडर माइनस में ही फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस कितना 4। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 196 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 192 हो गया, समझ में आ रही बात। अब आप 192 को 64 गुना 3 कर सकते हैं, 64 का वर्गमूल 8 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, घबराइएगा तो नहीं बनेगा। आप माइनस में निकालना है तो प्लस में निकाल दिए, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम पावर आ गया, सेम पावर का कंसेप्ट लगा दिए, और ये कंसेप्ट पीछे के कंसेप्ट का हमने यूज किया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को चाहिएगा तो एक और तरीका से बना सकते हैं, चलिए समझाते हैं इसका एक और तरीका। देखिए तरीका सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच नहीं है कि जल्दी जल्दी आए और आपको हम बताकर चले गए। आपको फाउंडेशन बैच में हर एक छोटी से छोटी बात बताया जाएगा कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं हो। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीका से बनाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, x प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर, यही क्वेश्चन था। उसके बाद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 1 है ना, तो यहाँ से सेम पावर में माइनस में निकाल दीजिए। तो माइनस वाला फॉर्मूला अभी बताएं क्या होगा, पी स्क्वायर अब माइनस 4, चर्चों का 16 अब माइनस 4, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, और 12 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है और यहाँ पे 3। अब वैल्यू किसका निकलना है, इसी का ना वैल्यू निकलना है, किसका वैल्यू, सो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है और क्या होता है ए माइनस बी होता है, ये बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अच्छी तरह से जानते होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं। अब बताइए x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4, और इसका वैल्यू कितना दिया है 2√3, 4 2 8√3, आप देख सकते हैं यहाँ भी आंसर आया 8√3 और यहाँ भी आंसर आया 8√3। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का दिमाग में अपना बात सोच रहे हैं। अब बताइए अगर सिर्फ हम ट्रिक का बात करेंगे तो आपको यही एक तरीका पता रहेगा, लेकिन जब हम कंसेप्ट का बात करेंगे तो एक तरीका और आपके सामने आ गया। इसलिए मैंने बोला कि ट्रिक बहुत जरूरी है लेकिन कंसेप्ट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, इसलिए बोले कंसेप्ट इज द बेटर देन ट्रिक। आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग बात कर लेते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर हम माइनस में दे दें
एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर फोर, और वैल्यू निकालने के लिए कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। आई बस समझ में, आपके पास फिर से दो तरीका है। पहला तरीका फॉर्मूला के द्वारा, सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालिए, प्लस में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस फोर। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस फोर, तो पी के जगह पर क्या है, फोर है, तो फोर का स्क्वायर प्लस फोर कितना हो जाएगा, चार चौका सोलह और प्लस चार कितना हो जाएगा, बीस। बीस को आप क्या लिख सकते हैं, चार गुना पाँच, चार का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू रूट फाइव। यानी इसका आंसर कितना आया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का टू रूट फाइव। अब हम यहां से स्क्वायर में वैल्यू निकाल लेते हैं। एक और चीज है, यहां हमने प्लस में तो वैल्यू निकाल लिया, अगर आप इस फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक बार प्लस में और एक बार कौन चीज माइनस में। एक चीज और है मेरे भाई, यहां पे एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लिए है, तो आप एक और काम कीजिए, यहां पे इसको हम दूसरा तरीका बाद में बताएंगे, पहले ये वाला तरीका समझ लीजिए। एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर फोर दिया है, तो आप डायरेक्ट पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो प्लस में निकालते हैं तो आपको याद होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया ये वाला फॉर्मूला, ओ मिटा दिए हैं, आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला। देखिए हम यहाँ लिख कर बता रहे हैं कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पी दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर पी दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस टू, अभी जस्ट बताया। और अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर पी दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस टू होता है। ये आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड में इस पर बात हो चुका है, समझ में आ रही है बात, ओके। अब यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाले, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर और प्लस टू कितना हो जाएगा, अट्ठारह हो जाएगा, ओके। अगर जो बच्चे नए हैं इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, और ये कहाँ से आया इसको जानने के लिए पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखें। ऐसे तो ये चौथा क्लास है, ये चौथा क्लास में जो भी बच्चे अभी नए आए हैं या इसके पहले नहीं देखे हैं, पहले पीछे वाला वीडियो जरूर देखेंगे, ये सारी बात समझ में आएगा। आई बात समझ में, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझने का आप प्रयास कीजिए, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लिए, अब इसी के मदद से माइनस निकालिए, सेम पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि अगर माइनस में है और वैल्यू प्लस में निकलना हो तो प्लस में, अगर प्लस में है और माइनस निकलना है तो माइनस में। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कौन चीज में है, प्लस में है, हमको निकलना है कौन चीज में, माइनस में। तो रूट अंडर अट्ठारह का स्क्वायर माइनस फोर, माइनस का वैल्यू माइनस में ही होता है, अट्ठारह का स्क्वायर कितना होता है, तीन सौ चौबीस माइनस फोर, तो कितना घटेगा, तीन सौ बीस। 320 को अगर आप चाहिए तो 64 गुना 5 लिख सकते हैं, 8 रूट 5 आया, कितना आया, 8 रूट 5 आया। अगर आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये तो पहला तरीका हो गया, अगर आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो x माइनस वन बाई एक्स के मदद से हम किसको निकाल लिए, x प्लस वन बाई एक्स, ये आपका पहला तरीका हुआ ये, और ये जो तरीका है ये पहला। इस बात को अगर आप दूसरा तरीका बनाना चाहते हैं तो x माइनस वन बाई एक्स को मदद से x प्लस वन बाई एक्स निकाल लीजिए, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार कौन चीज में लिख सकते हैं, माइनस में। अब जरा देखिए x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या है, फोर, और x माइनस वन बाई एक्स का पहले ही वैल्यू निकाल लिया है, टू रूट फाइव, तो आंसर कितना आएगा, एट रूट फाइव। आप देख सकते हैं दूसरा मेथड से बनाइए या पहला मेथड से बनाइए, आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप अगर कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपको सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा ही सेम पावर में, जैसे एक क्वेश्चन अब पावर तीन का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री, और कहेगा कि एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ प्लस में दिया है, अगर यहाँ वैल्यू प्लस में पूछता बड़ा आसानी से बना लेते, क्योंकि आपको हम तरीका बता दिए। तरीका क्या बताया है समझिए, कि अगर x प्लस
वन बाई एक्स बराबर पी दिया हुआ है और आपसे पूछे कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला हम बताए हैं पी क्यू माइनस थ्री पी, याद होगा। जो बच्चे को याद नहीं है वो फॉर्मूला को लिख लेंगे और ये कहाँ से आया पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे। ऐसे हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे आपका ये वैल्यू दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। अब इसको ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़िए, फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री, फॉर्मूला होता है आपका मेरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और इसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं? थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर। ये कुछ नया बात नहीं है, इसी बात को मैंने कॉमन में बता दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? अब समझिए, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पे हम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, अब बराबर में क्या है मेरे भाई? पी क्यू है। ये आप देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? थ्री, और इसको आपने क्या माना है? पी। इधर क्या है? पी क्यू है। ये प्लस वाला उधर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या उतरेगा? एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा? माइनस। जरा देखिए, हमने आपको यही फॉर्मूला लिखवाया है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यहाँ पे ये प्रूवमेंट हो गए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, जो बच्चे नए होंगे इस बात को समझ सकते हैं। अगर यही वैल्यू इस तरह से यहाँ माइनस में दिया रहे, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर पी, और पूछेगा एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस थ्री बी। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे या नहीं देखे हैं अभी वीडियो, तो ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जब माइनस में रहता है तो माइनस में ही वैल्यू पूछता है, प्लस में रहता है तो प्लस में ही पूछता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में है और वैल्यू किस में पूछ रहा है? माइनस में। तो ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सुनिएगा, तो भाई मेरे, मैंने ये बताया कि अगर प्लस में है, प्लस में दिया रहता आराम से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ कुंची में दिया है माइनस में, तो पहले इसके मदद से आप प्लस में वैल्यू निकाल लीजिए। तो प्लस में क्या फॉर्मूला होता है जरा देखिए, पी क्यू तो थ्री क्यू, माइनस थ्री पी तो पी की जगह पर थ्री है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 माइनस 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा 18। अब देखिए क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, सेम पावर आ गया। जब हम लोग सेम पावर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4, यही ना फॉर्मूला होता है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 18 का होल स्क्वायर माइनस 4, 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 320, और 320 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 गुना 5, और आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 8√5। उम्मीद है कि इस बात को भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। तो अगर आपका इस तरह सा भी क्वेश्चन आ जाए जो अलग हो, अब बच्चा गलती क्या करता है, तुरंत देखता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री दिया है, इसका वैल्यू निकलना है, तुरंत ये वाला फॉर्मूला पे बना देता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लस में है तो प्लस में ही रहता है, अगर माइनस रहेगा तब यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस है और दे दिया है कौन चीज में? माइनस में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्लस के मदद से प्लस में निकालिए, पावर 3 आ गया, और यहाँ से आप डिफरेंट पावर निकाल लीजिए, मतलब कि पावर सेम है, साइन का अंतर है, तो सेम पावर का हम लोग क्या लगा देंगे? कंसेप्ट लगा देंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर एक और तरीका से इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए, जैसे ध्यान से समझिएगा, एक और तरीका समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू किसका निकलना है? एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, तो एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू को इस पे तोड़िए, तो
एक्स माइनस वन बाई एक्स का कौन चीज होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बेचारे कट जाएंगे, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से बनाइए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है थ्री, यहाँ से सेम पावर माइनस में निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, तीन का स्क्वायर माइनस फोर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या हो जाएगा, तीन थ्री की नौ माइनस चार, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर फाइव। आई बस समझ में, फॉर्मूला लिख लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अब ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वैल्यू किसका निकलना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, वैल्यू को पुट कीजिए, इसके जगह पे क्या लिखिएगा, रूट फाइव इसका होल क्यूब प्लस थ्री, इसका वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कौन चीज, रूट फाइव निकाले हैं, दिया हुआ नहीं है, रूट फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइव रूट फाइव आएगा, अब प्लस थ्री रूट फाइव, अब थ्री रूट फाइव और फाइव रूट फाइव कितना रूट फाइव, एट रूट फाइव, देख सकते हैं यही आंसर यहाँ है, यहाँ ही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बनाए तो इसको पावर तीन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वन है तो वन में ही जाकर तब पावर तीन का वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये वाला मेथड में क्या है कि इसके मदद से पिछले फॉर्मूला के अनुसार पहले पावर तीन का वैल्यू निकाल दे रहा है, उसके बाद सेम पावर हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप कितना कंसेप्ट को ले रहे हैं, कितना ढंग से पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रिक पढ़िए, ट्रिक भी देखिए आपको बता रहे हैं, नॉर्मल जो मेथड है वो भी बता रहे हैं, दो दो मेथड से बता रहे हैं, कोई भी मेथड को आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों मेथड को आप समझ रहे हैं तो आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका बात क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम दे दें, कैसा भी जो आपको परेशान होता नहीं है, क्वेश्चन देख कर तुरंत घबरा गए, उस तरह का क्वेश्चन आपको हम देना चाहेंगे, जैसे एक्स प्लस, लेकिन घबराने हम देंगे नहीं, लगेगा कि क्वेश्चन वही है, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया प्लस में बताया, अगर यही क्वेश्चन सपोज माइनस में हम दे दें, किस में दे दें, माइनस में दे दें, और वहां से या पावर को हम चेंज कर दें, मान लीजिए हम यहाँ पे थ्री दे दें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या दे दिया थ्री, और कहेगा कि एक्स फोर माइनस एक्स फोर का वैल्यू निकाल दें, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। आई बस समझ में, अब कैसे बनाइएगा, पहला तरीका, पहला तरीका क्या कीजिए कि x प्लस वन बाई एक्स के मदद से आप एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू निकालिए, क्योंकि माइनस में तो फॉर्मूला होता नहीं है, ये तो बात आपको पता है, माइनस में तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स के मदद से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थ्री का स्क्वायर माइनस टू, पिछला फॉर्मूला से, यानी जो पीछे का कंसेप्ट है याद होगा, दूसरा तीसरा, अब पहला पीछे का लेक्चर देखिएगा, कौन फॉर्मूला, तभी थोड़ा देर पहले बताया है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर p है तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस टू होगा, तो यहाँ पे ये निकाल लिया, तीन का स्क्वायर स्क्वायर नौ में से दो जाएगा, कितना बचेगा, सेवन बचेगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये वैल्यू कैसे निकला। फिर ये स्क्वायर के मदद से आप क्या निकाल लीजिए, पावर फोर निकाल लीजिए, याद आ रहा होगा पीछे का कंसेप्ट, फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर से माइनस टू कर दीजिए, तो उनचास माइनस दो कितना हो गया, सैंतालीस हो गया, अब पावर फोर मिल गया, अब ये प्लस में है, निकालना कौन चीज में है, माइनस में, सेम पावर, जब सेम पावर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, याद आ गया, देखिए सेम पावर में हम लोग चले गए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस कितना, फोर, सेम पावर, माइनस में निकालना था प्लस निकाल लिए, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, सैंतालीस का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा आपका, जीरो नाइन और बाईस सौ नौ और माइनस चार, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बाईस सौ पाँच आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, बाईस सौ पाँच हो जाएगा, बाईस सौ पाँच को अगर आप चाहते हैं तो चार सौ इकतालीस गुना पाँच कर सकते हैं, चार सौ इकतालीस का वर्गमूल 21 होता है और रूट फाइव, ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
समझ में आ रही बात? फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक्स प्लस वन बाई एक्स के मदद से पहले स्क्वायर निकाल लिए, कौन फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला से, पी स्क्वायर माइनस टू। फिर अगर पावर दो से पावर चार निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहाँ सेवन का स्क्वायर माइनस टू, आई बस समझ में, 47 हुआ। अब ये प्लस वाला जब मालूम चल गया तो माइनस निकलना है, तो अभी सेम पावर वाला कंसेप्ट बताया है कि जब सेम पावर है और साइन का अंतर हो, शुरू में ही बताया है, आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। पी स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, फोर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर यानी 47 का स्क्वायर माइनस फोर कर दिए, रिजल्ट मेरा आ गया। एक और तरीका इसका देख लीजिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, एक और तरीका समझिए, एक और तरीका समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुझे एक्स फोर माइनस वन बाई एक्स फोर पावर फोर चाहिए, यहाँ एक्स फोर है और वन बाई एक्स फोर पावर फोर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार कौन चीज में होता है, माइनस में होता है, एक बार प्लस में और एक बार कौन चीज में होता है, आपका माइनस में होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, फिर से यह फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आई बस समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू थ्री है, यहाँ पे एगो आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स। जरा देखिए, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, बट इसका वैल्यू नहीं पता है। तो अभी बताएं, सेम पावर निकलना है, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री दिया है, और अगर x माइनस वन बाई एक्स निकलना है तो क्या करते हैं, रूट अंडर थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, सेम पावर वाला कंसेप्ट। तो नाइन में से फोर जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट अंडर फाइव। वैल्यू को पुट कीजिए, स्क्वायर का भी वैल्यू निकालें, कितना आया है, सेवन, इसका वैल्यू कितना है, थ्री, और इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं रूट फाइव। देखिए सेवन थ्री जा 21 रूट फाइव, आप देख सकते हैं कि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, हर क्वेश्चन को आपको हम दो दो तरीका बता रहे हैं, एक ऐसे भी जो आपको हम ट्रिक बताएं, इसमें भी ट्रिक लग रहा है, लेकिन कुछ फॉर्मूला का यहाँ पे यूज है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप खुद के कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ रहा होगा। अगले दिन जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर सेम है, चार है चार है, ये भी तो हो सकता है इधर चार हो, इधर तीन हो, इधर तीन हो, तो इधर चार हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगले दिन जब हम बताएंगे तो आपको कुछ डिफरेंट पावर पे लेके चलेंगे, आई बस समझ में, और उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो आप जितने भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो दिए जा रहे हैं। आप कोई भी कंपटीशन का उठाइए, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे का कंसेप्ट एलजेब्रा का जो पांचवा क्लास होगा। फिर से बोल रहे हैं कि बच्चे लोग घबराएंगे नहीं, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।